अभी आपको जो है त्रिपाठी जी हमारे जो है अध्यापकगण जितने भी हैं काफी चीजों को बताया है कि 8 अक्टूबर 1869 में हमारे पूज्य बापू का जन्म हुआ था और वो एक सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगर वो जो है देश को हमारे जो है आजाद कराया तो उनका भागीदारी जो है बहुत ज्यादा। देश में अगर न होते तो आज हम लोग जिस तरीके से खड़े हैं तो हम लोग खड़े ना हो पाते। ये देश 25 गवर्नमेंट के हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। अरे लड़के ध्यान से सुनिए, हमारा देश जो है गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने वाले हमारे जो है बीच में आज बापू जी नहीं है, हमारे पूज्य जो है महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है। संसार में जो भी पैदा हुआ है वो मरता जरूर है, इसमें दो राय नहीं है। और समय सीमा हर आदमी की है, लेकिन नाम की अमरता जो है बहुत कम लोग पाते हैं। हमारे आपके परिवार में लोग न जाने कितने लोग पूर्वज चले गए लेकिन उनका नाम आज तक नहीं है। लेकिन अगर नेता है जिन्होंने कुछ कार्य किया, जिन्होंने कुछ जो है देश के लिए बलिदान किया, कार्य किया, उनका नाम हम लोग जो है बड़े आदर्श के साथ लेते हैं। मेरे बच्चों, सीनियर बच्चे ध्यान दें, देखिए हर चीज जो है समय नहीं मिलता है। आप जो है आज सुनते नहीं, कल आपको भी बोलना पड़ेगा। कभी आप टीचर होंगे, अधिकारी बनेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो देश के लिए इन्होंने जो है अपनी जो भूमिका निभाई है, पुराने इतिहास को अगर देखा जाए तो आप देखिए सोचने वाली बात है। हमारे पूज्य बापू लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, लेकिन उनका बच्चों को जो है उद्बोधित किया जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है कि आज जो है माल्यार्पण करके झंडे के माध्यम से जो 2 अक्टूबर हमेशा जाने। तो उनकी जो है भूमिका अभी त्रिपाठी जी ने बताया, माधव प्रसाद जी ने बताया कि देश जो है हमारा जो है गुलामी के जंजीरों में था। बड़े सौभाग्य से, बड़े आदर्श के साथ हम आप इनका नाम लेते हैं। आप कहते हैं बापू, हर लोगों का नाम बापू नहीं रख सकता है। जो उस लायक होगा समाज में जितना कार्य किया है उसका जो है हम आप पर फल देते हैं, ऐसे लोगों का नाम आदर्श के साथ जो है लिया जाता है। इनके लड़के थे, इनके परिवार थे, लेकिन उन्हीं में से निकल करके जो है अपने आदर्श को जो है पैदा किया। हमारे आपके बीच में जान बात है, ये शास्त्री जी नहीं है जैसे महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन इनका जो है नाम साथ में अमर है। 2 अक्टूबर 1904 में जब पैदा हुए तो आप सोचिए इन लोगों की शिक्षा जो है प्राइमरी पाठशाला में ही, आज जो मॉडर्न स्कूल चल रहे हैं हमारे आपके बीच में ऐसे स्कूल नहीं थे, प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी। ये प्राइमरी शिक्षा से लोग निकल करके जो है उभरे हुए हैं। आज हम आप कहते हैं किसी बच्चे को अगर जो थोड़ा दंड दिया जाए तो कहता है कि हमको नाजायज दिया गया। प्रिय बच्चों, पुरानी इतिहास को देखिए, बड़े मुश्किल से शिक्षा मिलती थी। जो शिक्षाएं मिली है आपको जो है आदर्श की बात है, तो आप जो है देखिए इतिहास उठा करके देखिए कि अपने जीवन में हम कितना पीछे हैं। इन लोगों की अगर नारे को देखा जाए तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि पूरे देश के लिए करो या मरो। शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, ये नारा लगाया था। ये नारा कब लगाया आपको? मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, इन्होंने जो है आप पुराने जो है इतिहास को देखिए, खेड़ा का जो आंदोलन देखिए, आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन देखिए, चंपारण का जो है जब आंदोलन हुआ उसको देखिए, ऐसे आंदोलन उन्होंने किया। उस आंदोलन को देख करके जो है हम आपको दंग रहना चाहे कि अपनी कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार थे। आप पुराना इतिहास देखिए, जलियांवाला न जाने कितने निहत्थे लोगों को जो है जनरल डायर जो है गोली से भून दिया। लोग निहत्थे मीटिंग कर रहे थे उसमें चारों तरफ से घेर करके और हमारे भारतीयों को मार दिया गया। प्रिय बच्चों, ये इतिहास जो है अमर है।
ना जाने कितने लोग जो है पृथ्वी से चले गए, लेकिन हमको आपको आजादी दी। अभी जो है बताया गुप्ता जी ने जो है कि खड़क बिना ढाल साबरमती तूने कर दिया कमाल। बात तो सही है कि जिसके पास जो है ना तलवार है ना ढाल है ना उनके पास ना लाठी है, और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके ऐसे पूज्य बापू ने जो है सबको एकता के सूत्र में बांध करके सबको कायम कर दिया, आज उन्हीं के बल पर आज हम लोग जो है विद्यालय में खड़े हैं। भारत के कोने कोने नहीं, ये विश्व में उनका जो है सत और अहिंसा का नाम अमर है। ये आंदोलन जो है विदेशों में गाया जाता है। अंग्रेज आज सोचते हैं कि आज इस दिन जो है हमारे पूज्य बापू का जन्मदिन है। आपको नहीं मालूम है आज भारत का जो है प्रत्येक बच्चा चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे अफ्रीका है सब कहीं बैठ गए। आज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां 50% आबादी आपकी इंडिया की पहुंच गई, इसमें दो राय नहीं। हमारे आपके बच्चे योग्य अयोग्य नहीं, पढ़ करके गए सब और देश में जो है शीर्ष पर पहुंच गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे जापान हो चाहे कोरिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे अफ्रीका हो, सभी देशों में जो है इंग्लैंड जो हमारे ऊपर कब्जा किया था आज जो है कब्जा नहीं, आज उनके देश पर हमारा भारत का लोग जो है नारे लगा रहे हैं। अभी आपको मालूम नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां पर झंडा जो है भारत का झंडा वहां लगा दिए सब लोग जो है लोगों ने, ऐसे महत्वाकांक्षी वहां लोग बैठे हैं। विज्ञान में जो है हम आप कमजोर नहीं है, हमारे देश का प्रत्येक बच्चा योग्य है, लेकिन जो है योग्यता कब निकलेगी जब आप बाहर निकल करके निकलेंगे बोलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जब आप अपनी प्रखरता कायम करेंगे तब आप, अभी जो है धूल माला की बात आई तो लड़के दब रहे हैं, दबना नहीं चाहिए और आपको हाथ रखना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हम आप हैं। यहाँ कोई जो है महात्मा गांधी जी जब सोचिए ट्रेन में बैठे थे तो अंग्रेजों ने उनको उतार दिया, काले घोड़े का पेश कर दिया, ये काले थे और उनको जो है गोरे वाले लड़के जो है उतार दिया ट्रेन से कि आप जो है भारतीय। इतना हिंसा जो है उनके दिमाग में व्याप्त थे कि इनको जो है अगर योग ना होते तो मार डालते, लेकिन जो है अपनी नारी के बदौलत जो है अपने वकालत के बदौलत देश को जो है निकल करके देश को जो है आज हम उन्हीं के बल पर हम खड़े हुए। भारत छोड़ो का आंदोलन है जब फैजपुर का अधिवेशन हुआ 1942 में हुआ, आप सोचिए कि प्रत्येक जो है गांव में जिलों में भारत छोड़ो का आंदोलन लग गया। जब जो है प्रत्येक नागरिक भारत छोड़ो आंदोलन बोलने लगे तो अंग्रेजों को अंत में छोड़ करके भागना पड़ा कि हमारा देश नहीं पूरे देश में भारत छोड़ो अंग्रेजों का विरोध हो रहा है, न जाने कितने अंग्रेज मार डाले। ये नहीं कि वो बच करके गए हैं, जब यहाँ के लोग दंगा में गए तो आपसे बता दें कि जो है आपको आज मालूम नहीं है लेकिन न जाने कितने अंग्रेज भी यहाँ पर मार डाले भगाया है, और आज भगाने के बाद आप जो है आप हिंदुस्तान का झंडा गाड़ करके आप देश के जो है प्रत उद्धार नहीं है बल्कि देश के प्रत जो है अपना जो है स्वभाव से दोस्तों नमस्कार करते हैं। इस झंडे के माध्यम से, ये झंडा ना होता तो ये प्रत्येक बच्चे न जानते कि आप 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर का दिन, 15 अगस्त का दिन, ये सब अमर साक्षी, 26 जनवरी की आजादी का दिवस। आप कहते हैं कि संविधान लागू हुआ, मैं चाहता हूं कि अगर आजाद ना होता तो संविधान ना बनता। 15 अगस्त को जो है 47 को जब आजाद हुआ तभी संविधान बना है, रात में जो है पहले नहीं बना। इसलिए हम आप पूरी बातों को जानते हैं और आपके दिमाग में हम लोग एक पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है हम आप एकजुट होकर के देश के पर जो है अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए हमेशा झंडे के माध्यम से भारत की जय जयकार लगाएं। और आप कहते महात्मा गांधी का नाम अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम अमर रहे, ये अमरता अपने जो है हिम्मत के बल उन्होंने प्राप्त किया है, आप पूरे देश के अंदर जय जयकार की आवाज हो रही है। धन्यवाद।